नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी का जब भी नाम आता है तो बुलडोजर जहन में जरूर आता है, और ये बुलडोजर जब से चल रहा है जब से यूपी में योगी की सरकार आई है, और इसी वजह से यूपी में बुलडोजर चर्चा का विषय हमेशा से रहा, चाहे वो जमीन पर हो या फिर सियासत में। माफियाओं, अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसी के चलते कई लोग सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि भी दे चुके हैं। दरअसल यूपी में बुलडोजर की एंट्री हुई थी कानपुर में हुए बिकरू कांड के बाद, जब कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तब प्रशासन ने सबसे पहले विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलवाया था, लेकिन इसके बाद तो ये बुलडोजर माफियाओं, गुंडों और भू माफियाओं के लिए बुरे सपने जैसा बन गया। प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया, लेकिन इसी बुलडोजर की कार्रवाई पर कई सियासतदान ने सवाल उठाया, और एक बार फिर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने योगी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। साथ ही उन्होंने इंग्लिश मैगजीन फ्रंटलाइन की एक पोस्ट भी शेयर की। पहले उस पोस्ट के बारे में आप जान लीजिए, उस रिपोर्ट में आखिर क्या था, फिर आपको बताएंगे कि सुप्रिया श्रीनेत की इस बात पर आखिर लोगों ने क्या कह डाला और कैसे क्लास कराई। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि पिछले 2 सालों में देश भर में कम से कम 1.5 लाख घरों को अलग अलग कारणों से गिरा दिया गया। इसके कारण 7 लाख से ज्यादा लोग मजबूरन अपने घरों से बेदखल हो गए। अंग्रेजी मैगजीन फ्रंटलाइन में बुलडोजर से घर और दुकान गिराने की कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। 2017 से लेकर 2023 तक का आंकड़ा इसमें रखा गया। रिपोर्ट बताती है कि इन सालों में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार बढ़ी और लोग घर से बाहर हो गए। इस दौरान कम से कम 16,80,000 लोग प्रभावित हुए। इसमें सबसे हालिया उदाहरण लखनऊ के अकबर नगर का है, जहां 19 जून को राज्य सरकार ने 1,170 घरों और 101 व्यावसायिक संपत्तियों को ढहा दिया, यानी अकबर नगर पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया। इनमें कई लोग दशकों से वहां रह रहे थे। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों ने बताया कि विकास प्राधिकरण बनने से पहले वो वहां रह रहे थे। राज्य की बीजेपी सरकार इस इलाके में कुकरेल रिवर फ्रंट डेवलप करने की योजना बना रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये सभी अतिक्रमण के दायरे में आते हैं, और जैसे ही ये रिपोर्ट आई कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर डाला और लिख डाला कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। पर कटाक्ष किया गया। हालांकि विशेष समुदाय को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल फरवरी में पता चला कि इस तरह की 128 कार्यवाही में मुसलमानों को टारगेट किया गया। इसमें 617 लोग प्रभावित हुए, जिसको खास तौर पर सुप्रिया श्रीनेत ने मार्क किया था। और जैसे ही कांग्रेस नेता ने ऐसा किया, वैसे ही लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत की क्लास लगा डाली और सोशल मीडिया पर ट्वीट की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा, हमारी वोट बैंक टूट जाती है अवैध घर बनाने में, वो तरफ नहीं खाते हमारे ग्रंथालय जलाने में। एक ने तो लिखा कि शताब्दियां लग जाती हैं देश बनाने में, इन्हें तरफ नहीं आता देश जलाने में। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि घर कोई आम जनता का नहीं है, उपद्रवियों का है, आतंकवादियों को पनाह देने वालों का है, बहन बेटियों की आबरू लूटने वालों का है, हमारे जवान पर पत्थर फेंकने वालों का है, देश के गद्दार का है। ये देखकर आश्चर्य नहीं होता कि ये सभी कांग्रेस का कोर वोटर है, दुख दर्द पीड़ा होना लाजमी। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि लोग टूट जाते हैं टैक्स देते देते, तुम्हें शर्म नहीं आती अवैध कब्जा कराने में। साथ ही एक और यूजर ने सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर रिप्लाई किया और लिखा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले पर कैसी तरस, तरस तो तुम्हारे जैसे लोगों की राजनीति पर आता है कि वो चाहते हैं कि सरकारी जमीन भी लोगों से ना छीनी जाए जो अवैध कब्जा किए हुए हैं। वहीं एक और ने लिखा, सरकारें निकल जाती हैं एक देश बनाने में, तुम भ्रष्टाचारी लोग पिघल जाते हो घुसपैठियों को आसरा देने में। यानी लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत की जमकर क्लास लगा डाली। दरअसल हमेशा से बुलडोजर की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता कहती आई कि क्या हम लोग भारत को एक संपूर्ण बुलडोजर राज में बदलते देखना चाहते हैं। लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग ये सवाल करते आए हैं, ये सुप्रिया श्रीनेत का कहना है। और जब भी वो ऐसी बातें कहती हैं या ट्वीट करती हैं तो लोगों के निशाने पर आ जाती हैं और लोग उनकी जमकर क्लास लगा देते हैं, जैसा कि इस बार लोगों ने किया। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें भी आप जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ इस खबर को शेयर करना मत भूलिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शीर्ष भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।